सो हे गाइस, दिस इज अविनाश एंड यू राइट नाउ वाचिंग अ गूगल ट्रिक्स अ व्लॉग। और दोस्तों, अभी मैं हूँ धनबाद में और आज मेरे पास है बहुत सारा काम और मेरे साथ है सोहेब और हम लोग दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले। सबसे पहले मेरा बाल वगैरह देखो, बियर्ड वगैरह देखो और काफ़ी ज़्यादा जो है ऑकवर्ड भी लग रहा था मेरे को। और साथ में एसी सबसे मुझे मेरे बाय करना था, तो अभी फिलहाल मैं अपना जो लुकअप गेटअप जो हूँ ठीक करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ एसी लेने के लिए। तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और कहाँ मैं जाने वाला हूँ बाल वगैरह कटाने, ये तो आप लोगों को बताइए। मैं एक ही जगह से हमेशा कटवाता हूँ, पहले भी काफ़ी ज़्यादा बार वहाँ का ब्लॉग बना चुका हूँ। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो गाइस, एक बार फिर से मेहता भैया के साथ में वही हेयर कट करवाने, तभी हम लोग जो है हेयर कट जल्दी से करवा लेते हैं। उसके बाद मेरे पास एक क्लाइंट है ना, हाँ, तो जल्दी से हेयर कट करवाते हैं और फिर चलते हैं हम लोग भाई एसी लेने के लिए। लास्ट टाइम तो मैंने जो अपना बर्थडे के लगभग में आया हुआ था अक्टूबर में, और अभी जो फेब में मैं आया हुआ, तो उस बीच में कस्टमर वगैरह का बड़ी हुई थी नहीं बहुत। ब्लॉग बनने के बाद अच्छा खासा ब्लॉग बनने के बाद और अपॉइंट बढ़े है ना, और साथ में मैंने देखा कि यहाँ का और भी ब्लॉग्स वगैरह उसके बाद बनने लगे तो काफ़ी ज़्यादा चलो बेनिफिट हो रहा है। फिर हम कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और हेयर कट करके फिर हम यहाँ से। देख रहा आपको भर गया आंसू से, रो क्यों रहा अविनाश? अरे बाप रे, देखिए अविनाश भाई रो रहे हैं, ज्यादा रो रहा है स्मार्ट दिखने के लिए। अरे अब क्या कीजिएगा, सुबह आना पड़ रहा है, नहीं कुछ करना, जो करना था कर दिया। तो गाइस, परफेक्ट जो है वो हेयर कट हो चुका है, अब फाइनली हम लोग निकलते हैं बिल पे करने के बाद, है ना। तो चलिए अब चलते हैं। तो अविनाश भाई कितना पे कर रहे हो? ओनली 900। बस 900, तो ये देखिए गाइस 900 का बाल कटा कर भाई कितना स्मार्ट लग रहे हैं। तो कमेंट करके बताना ये मेरा लुक जो है वो कैसा लग रहा है। और अब हम लोग निकलते हैं, तब से यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, निकलते तो फाइनली अब निकलते। ठीक है, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, फाइनली सारा कुछ कंप्लीट हो गया और आप मेरा हेयर कट जो है वो साइड लुक भी देख सकते हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर मुझे लगभग 3 से 4 घंटा जो है वो लग चुका है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया, एकदम फ्रेश महसूस हो रहा है। तो फाइनली अब हम लोग चलते हैं अपना ड्यूक लेकर के इसी को बाय करने। तो आपको भी दिखाता हूँ, मैंने ऐसे घर में सोच कर रखा है कि कौन सा लेना है, बट मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा कि कौन सा मैं ले रहा हूँ, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है उसको लेने में। इन फ्यूचर अगर आप भी कभी लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा उसी को बाय करना। क्यों करना वो अब मैं आपको डायरेक्टली वहाँ चलकर दिखाता हूँ। सो गाइज, मैं अभी जो हूँ धनबाद के ग्रेट स्टैंड में आ चुका हूँ एसी के लिए, और यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा जो है वो एसी हो जाता है। तो इसी में से मैंने एक पसंद भी कर लिया है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि मेरा जो है बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं उस कारण से जो 5 स्टार लूँगा और उसी के साथ साथ डेटन का,
तो मैंने जो है वो पसंद किया है वो ये वाला पसंद किया है, वोल्टास का डेटन 5 स्टार का जो ये हो जाता है। इसका प्राइसिंग की अगर मैं बात कर लूँ, ये जो है वो आप इसका लेबल वगैरह देख सकते हो कि क्या इसका लेबल है सारा कुछ, तो यही जो है वो हो जाता है। यही एसी मैंने पसंद किया तो सारा बिलिंग वगैरह भी करवाता हूँ। बड़ा मैटर जो है वो हो चुका है धनबाद के पुलिस इंस्पेक्टर लोग के साथ में, तो अभी जानकर उनसे मिलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि धनबाद के पुलिस इंस्पेक्टर मेरा जो है वो DL रख लिए बाइक का और भी बहुत सारा चीज़ वहाँ उनके पास रख के आना पड़ा मेरे को। तो ये जो है वो बुक करवाने के बाद मेरे को जाना पड़ेगा धनबाद के इंस्पेक्टर से मिलने के लिए। 3-3 बार इंस्पेक्टर लोग से पाला पड़ा, क्यों पाला पड़ा, क्या हुआ, वो सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। फिलहाल जो AC वगैरह जो है बुक कर लेता हूँ, है ना। तो ब्लॉग में बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ब्लॉग बनने। तो अविनाश भाई अभी पेमेंट कर रहे हैं, हो गया भाई, हो रहा है क्या। तो अभी हम लोग पेमेंट कर कर यहाँ से निकल जाएंगे, फिर डिलीवरी जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी। सो गाइस, इस रिसीविंग ये रहा, अब कार्ड से पेमेंट हो गया, अब मैं निकलूँगा और धनबाद के इंस्पेक्टर से जो हुआ है वो सारा कुछ रिजॉल्व करूँगा, अब मैं निकलूँगा। तो फिलहाल अभी रिसीविंग में ले लेता हूँ और फिर निकलता हूँ और फिर आपको वो इंस्पेक्टर से भी जो हूँ मिलवाता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ सारा कुछ, सारा कुछ मिल चुका है, अब जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो भैया जो है पहचाने, काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगोशिएशन भी कर दिए जितना जो है वो हो सकता था, तो चलो काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं देख सकते हो धनबाद में हूँ, तो आज जो है वो AC मेरे घर पर पहुँच जाएगा, लेकिन इंस्टॉलेशन जो है वो कल होगा। देख सकते हो धनबाद अभी कितना ज़्यादा तरक्की में है, पहले बहुत ज़्यादा जो ऑकवर्ड लगता था देखने में। चाबी तुम्हारे पास है ना, निकालो ड्यूक, तो ये देखो मेरा ड्यूक। तो अभी हम लोग ड्यूक यहाँ से निकालेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब हम लोग निकलते हैं और दिखाते हैं तुम्हें धनबाद, क्या नज़ारा है यार। अब लगता है कि हाँ, मतलब धनबाद मेन धनबाद से थोड़ा आगे जब बिग बाज़ार के साइड में आने पर लगता है, लेकिन हमारे तरफ तो अभी भी वैसा ही है, तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा और देख सकते हो खुद ही। तो चलिए अब निकलते हैं और वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर से मिलवाते हैं आपको। तो गाइस, अभी मैं धनबाद में आ चुका हूँ इंस्पेक्टर बिलस तिर्की के पास, और इनसे अपना जो हूँ ओनर बुक जो हूँ लेने आया था। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा मेरे ही साथ जो है वो लफड़ा होते रहता है, पिछला बार भी जो मैंने धनबाद का CBI का जो था थाना गया हुआ था। दरअसल हुआ क्या ना कि मेरा भाई जो है वो छूट गया था वहीं पर, और उन्हीं को लेने जाना था, और उसी चक्कर में मेरा दिमाग काम नहीं किया और हेलमेट जो छूट गया था। तो वहीं जो है वो इन्होंने बोला कि हेलमेट कहाँ है, तो इनको मैंने ओनर बुक दे दिया कि मैं आता हूँ उधर से, और काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट किए सर, और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। ऐसे आए दिन तो पुलिस इंस्पेक्टर से काम पड़ते रहता है, तो थैंक यू सो मच सर इतना ज़्यादा हेल्प करने के लिए और इस तरह कॉपरेट करने के लिए। तो सर आपसे एक बार हाथ मिलाना चाहूँगा सर, थैंक यू सर। तो अब मैं निकलता हूँ घर के और, मेरी दीदी आई हुई है, उनके लिए थोड़ा मिठाई वगैरह ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी दूर से आई है। चलिए और सारा कुछ आपको दिखाते हैं, तो यही देखो धनबाद में हम लोग यहाँ पर हैं। सो फाइनली गाइज, मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने घर पर, और फाइनली जो है वो AC को जो है वो मैंने नीचे रूम पर जो है वो रखवा दिया है, और ये मैं इंटर कर गया अपने सेटअप में। तो गाइज अभी जो है वो क्या है कि पूरा प्लानिंग ये है अभी बना है कि मैंने जो AC जो आया है वो मैंने नीचे रखवा दिया, और कल
टेक्नीशियन खुद जो है 11-12 बजे आ जाएगा और फिर एसी लगा देगा, फिर रूम कैसा लगता है और भी मैं साथ में कुछ और भी चेंजेस करवा रहा हूँ रूम में, तो कल वापस इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज आज है सेकेंड डे और मैं हूँ अभी अपने सेटअप पर और देख सकते हो एसी जो है वहाँ पर लग चुका है और सारा जो है गंदगी होने के कारण सब कुछ मैं ढक दिया हूँ और ये है टेक्नीशियन जो सारा कुछ जो फिट कर रहे हैं। और सेटअप में तो अभी और भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडिंग हुआ है, जैसे कि लाइक ये वाला भी लग गया, उधर भी वो भी कंप्लीट हो गया और साथ में अभी यहाँ पर मैं जो हूँ एक बेड पे बैठा हुआ हूँ सोहेब और मेरा भाई के साथ में, तो ये बेड भी अभी हटेगा और इसके जगह पे जो है वो डबल सेटअप बनेगा इन वन रूम में, पहला गेमिंग और दूसरा नॉर्मल। तो देखो अभी कैसा कैसा मैं बनाता हूँ और फिर धूम मचाते हैं। सो फाइनली गाइस टेक्नीशियन ने जो है वो एसी को फिट कर दिया और मुझे देखो कितना बड़ा लिटरली रिमोट जो है वो दे दिया है और इसमें काफी ज्यादा फीचर्स वगैरह भी है। और दरअसल मैंने एसी लगाने का मेरा सिर्फ एक ही रीजन था कि पिछला साल मैं जब वीडियोस बना रहा था तो गर्मियों के मौसम में क्या होता था, जब मैं बोलता था तो मेरे शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता था और पूरा लगभग मैं नहा लेता था। तो एसी लगाने के बाद ये प्रॉब्लम एटलीस्ट नहीं होगा क्योंकि वीडियो के बाद बहुत ज्यादा लाइट जलेगा और भी रूम हीट हो जाएगा, साथ में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मियां गिरती है, तो ये सारा के कारण मेरे को ये सारा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और एक क्वालिटी कंटेंट मैं दे पाऊंगा। वो देखो अभी एसी जो है सारा कुछ फिट हो चुका है, सारा कुछ लग चुका है, कितना परफेक्ट लग रहा है। एसी में जो एकदम अभी एकदम 17 में जो चला रहा हूँ पूरा मस्त एकदम कूल जो है एकदम लग रहा है। और अब अगर मैं जो शूट करता हूँ वीडियो को तो एकदम मैं भी कूल लगूंगा और एकदम पूरा एनर्जेटिक होकर एकदम फ्रेश माइंड होकर के वीडियो बना पाऊंगा। सो आई होप आपको ये ब्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया होगा क्योंकि इस ब्लॉग में मैंने कितना ज्यादा कुछ आपको दिखा दिया, सोचो बाल हेयर कटिंग पुलिस से मैटर एसी सब कुछ लिटरली यार दिखा दिया। तो इतना मेहनत के लिए भाई लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दो और इस तरह और भी ब्लॉग देख करके इन फ्यूचर अगर एंटरटेन होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन कर देना ताकि मैं इस तरह का ब्लॉग और इन फ्यूचर लाऊंगा तो आप सबसे पहले देख करके इसी तरह एंटरटेन होते रहेंगे।